15 करोड़ के जीपीएफ घोटाले में बुरी तरह घिर चुकी भैरवगढ़ जेल की पूर्व अधीक्षक उषा राज के खास राजदार जगदीश परमार के खिलाफ जेल प्रहरियों ने मोर्चा खोल दिया है। लगभग 4 दर्जन प्रहरियों ने जगदीश परमार के खिलाफ आवेदन देकर उसके खातों की जांच करने के साथ उसकी चल अचल संपत्ति की भी जांच करने की मांग की है। यहां हम अपने दर्शकों को बता दें कि उषा राज द्वारा जेल को 1,00,000 रुपए प्रतिदिन के मान से ठेके पर दे रखा था। जेल के अंदर गांजा, चरस, शराब, मटन जैसी प्रतिबंधित वस्तुएं भी खुलेआम भेजी जा रही थी। आवेदन ये है कि जो जगदीश परमार पत्रकार है वो जेल के जो अवैध गतिविधि में संलग्न था उसके संबंध में एसपी कार्यालय और थाना भैरवगढ़ को दिया हमने। सभी कर्मचारियों ने मिलके आवेदन उसके खिलाफ क्या मांग की उसमें क्या है उसको भी आरोपी बनाया जाए और उसको जांच के घेरे मिले। तो संचालन करता वही था जेल के अंदर, किसकी ड्यूटी क्या लगना है, कौन सा सामान कब कहाँ पहुँचाना है, किस बंदी को कौन ज़्यादा पैसे दे रहा है, या उस हिसाब से उसको सेट करता था अंदर। कब से ये गतिविधि चल रही है? साल भर से चल रही है। क्या हम तो पैसों का लेन देन भी उसी के द्वारा किया जा रहा था? पैसों का लेन देन था, लाखों का लेन देन हो रहा था। कैंटीन में बैठक थी, मुलाकात में भी जाता था वो। अब वहाँ जो बंदी सेट कर रखे थे, उसने जो नियुक्त कर रखे थे, वही पैसा उगा के देते थे उसे। इनके अलावा रात में भी उनके जो है कि अंदर जाने की, हाँ रात में भी हमने एक फुटेज देखी है। अच्छा, एक फुटेज देखी जिसमें जेल अधीक्षक के साथ में वो घूमता पाया गया अंदर। रात में कितने बजे की बात होगी? ये 9-10 के 10-11 के 20 के आसपास की बात है। जनरली जेल नियम के अनुसार क्या होता है? जेल नियम के अनुसार तो भारी व्यक्ति तो जा नहीं सकता। और फिर जेल अधीक्षक वो है उषा राजे, तो वो जिसको चाहे ले जा सकती है। क्या क्या गतिविधियाँ चलती थी अंदर जेल में? अंदर तो गतिविधि बहुत है, दारू बिक्री, मटन भी बिक्रिया है, या चरस भी जारी, सब प्रकार से गतिविधि पूर्ण रूप से संचालित थी। उसमें जेल के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं जिनके माध्यम से ये गतिविधि चल रही, जिसमें जेल अधीक्षक उषा राज का एक चमचा है गिरिराज। इसलिए नहीं उठाई थी कि उसको जो बेचारा कर्मचारी उसको रोकता था तो वो दीवार पर नौकरी करने चले जाता था, सस्पेंशन की धमकी दी जाती थी उसको। इस प्रकार का अनेक कर्मचारी है जो आज इस गतिविधि में उसके खिलाफ शामिल हुए हैं। करीब करीब 46 कर्मचारी हैं जिनने उसके खिलाफ आवेदन दिया, वो सिग्नेचर करें। इसके कुछ वीडियोज या कुछ और पुख्ता सबूत भी आपके पास हैं? आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके? आरोप तो हमने जो हम तो रोज देखते हैं ना, हम तो रोज देखते हैं। लिखबंदी कैंटीन सब धरा का आएगा, कैंटीन संचालक और कैंटीन के पास अंदर आके बैठता था, यहाँ वहाँ से ही पूरी लेन देन की प्रक्रिया मालूम पड़ेगी। आवेदन पर अगर जल्दी ही जो संज्ञान नहीं लिया गया, कार्रवाई नहीं हुई, तो आगे क्या कदम रहेगा? आगे कदम रहेगा, फिर वो कुछ ना कुछ तो फिर करना ही पड़ेगा। क्या हमें तो साफ सुथरी जेल चाहिए। अब देखना यह है कि लंबे समय से चुप्पी साधे बैठे जेल प्रहरियों द्वारा खोले गए मोर्चे के बाद पुलिस जगदीश परमार के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। उधर कांग्रेस विधायक महेश परमार ने भी जेल में हुए घोटाले को लेकर बयान दिया है। आपकी तरफ से क्या रोक है? माननीय गृह मंत्री जी, विधानसभा में हमने प्रश्न उठाया, माननीय गृह मंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि चीन के साथ धोखाधड़ी हुई, उनको उनका पूरा एक एक पाई पाई मिलेगी। 15 दिन का माननीय गृह मंत्री जी ने हमें समय दिया था, अगर इस समय सीमा में जो धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, इस भ्रष्टाचार के शिकार हुए, उनके लिए हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के नेता हमारे कमलनाथ जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस पार्टी के साथ ही पुनः आंदोलन करेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे।